नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरी लाइव स्ट्रीम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक बहुत ही खौफनाक बीमारी, जिसको खौफनाक भी कह सकते हैं और कह सकते हैं कि बीमारी नहीं है, लेकिन उसके चंगुल में लोग इस तरीके से फंस जाते हैं कि लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं दिखता है कि आगे भविष्य में उनको क्या करना है, उनकी ज़िंदगी कैसे आगे चलेगी। लोग यहाँ तक कि आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगते हैं कि अब ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है तो फिर हम आत्महत्या कर लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन, उसको कि एंजाइटी भी कहते हैं। और यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति हमेशा जो है डरा डरा सा रहता है, उसको हर किसी चीज़ से घबराहट होने लगती है। ज़रा सा भी कुछ भी होने पे वो इतना घबरा जाता है कि ऐसा लगता है कि अब वो बचेगा ही नहीं। और इस तरीके के मरीजों को रात में सोने में भी बहुत दिक्कत होती है, वो रात रात भर जगा करते हैं, उनको नींद नहीं आती है, और जिसके कारण लोग जो है मतलब लोगों के साथ ये भी होता है कि लोग प्रॉपर सो ना पाने के कारण उनको सर में दर्द की भी प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है। क्योंकि जो है एक मनुष्य को जितना मतलब काम करना ज़रूरी है, खाना पीना ज़रूरी है, उसी तरीके से हर एक मनुष्य को जो है एक निर्धारित समय है, कम से कम उतने घंटे, 5 घंटे 6 घंटे की प्रॉपर नींद भी बहुत ज़रूरी है। अगर उतनी नींद प्रॉपर नहीं होती है तो वो आदमी मेंटली डिस्टर्ब होने लगेगा। दोस्तों, मैं भी जो है काफ़ी समय तक जो है इस बीमारी से पीड़ित रहा हूँ और बहुत मैंने झेला है। दुख दर्द एक समय ऐसा भी आया था कि मैं भी सोच रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी, दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते थे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही और अपने आप पर भरोसा और घर परिवार वालों का साथ था और जो डॉक्टर्स वगैरह रहे, इन्होंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, इन सबके थ्रू आज मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहा हूँ। और बीच बीच में ये होता है कि मुझे 5-6 महीने में मतलब जब मुझे लगने लगता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हो गया हूँ, तो 5-6 महीने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते की दवाई थोड़ा सा चेंज कर दिखाते हैं, उसके बाद फिर लाइफ नॉर्मल चलने लगती है। नहीं तो एक समय था जो है 2014 से दोस्तों मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया था और उसके बाद जो है मैं ना जाने कितने जगह पर मैंने जाके अपना इलाज कराया, लेकिन ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि मुझे दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैं बीमार हूँ, मेरे सर में दर्द, आसानी में नहीं आती थी, घबराहट, बेचैनी, पेट में दर्द, हार्ट पम्प पैल्पलेशन होने लगता था, जैसे लग रहा था इतना तेज़ धड़कने लगता है कि बाहर निकल आएगा, इस तरीके से दोस्तों प्रॉब्लम होती थी। तो इन सब चीज़ों को मैंने बहुत झेला है और उन सब चीज़ों से कह सकते हैं कि मैं काफ़ी हद तक उबर भी आया हूँ और आज मेरी लाइफ ठीक चल रही है। तो दोस्तों, जो लोग आज की डेट में मैं देखता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में जो है डिप्रेशन एंग्जाइटी इस तरीके से बीमारी से ना जाने कितने लोग पीड़ित हैं और इसको लेकर इतना ग्रसित हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि अपनी ज़िंदगी कैसे दी जाए। बहुत लोग तो इस तरीके से होते हैं कि गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है कभी भी किसी तरीके के इसमें आकर भयभीत ना हों और दोस्तों डिप्रेशन का प्रॉपर इलाज है, आप डॉक्टर के गाइडेंस में चलिए, ठीक है, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। और उसके बाद जो है आपका सबसे मेन चीज़ ये है कि आप अपना शारीरिक मेहनत ज़रूर करिए, क्योंकि शारीरिक मेहनत बहुत ज़रूरी है करने के लिए। जितना आप अपने आप को शारीरिक रूप से थकाएंगे उतना ही आपको अच्छी नींद आएगी। और दोस्तों, इस बीमारी का मेन एक यही होता है कि आप जितनी अच्छी प्रॉपर नींद ले लेंगे उतना ही आप मेंटली अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको काम करिए, ठीक है, मेंटली कम काम करने के बजाय आप फिजिकली काम करिए, दौड़िए, भागिए, ठीक है, सैर करिए, इस तरीके से अपने आप को थकाइए ताकि इससे आपका स्ट्रेस भी दूर होगा।
और दोस्तों जो आपको काम अच्छे लगते हैं, ठीक है, जिनको काम करने में आपको आनंद आता है, आप उन कामों को करिए, उससे भी आपका स्ट्रेस दूर होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ये बता दूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ का बहुत भोगी हूँ कि जब आदमी कोई भी व्यक्ति होता है वो डिप्रेशन में होता है तो उसको हर एक चीज़ में निगेटिविटी दिखती है, किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता है, जो काम उसको पहले पसंद आते थे वो काम भी उसको अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों सकता है पाना ये बहुत मुश्किल होगा कि आप अपना जिस काम में इंटरेस्ट हो मन लगाइए, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं ये कहूँगा कि वाला नंबर है, ये मैंने नंबर डाला है, कोई कॉल करना, कॉल करने तो करने को, मैंने जब कोई कॉल करेगा तो इस नंबर पर करेगा, कहने तो कॉल करने को, मुझे चलने को, मैं चल रहा हूँ, ठीक है आप जाइए करिए, ठीक। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी तरीके की गलत कदम ना उठाइएगा, ठीक है। और आप लोगों को अगर किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, आप लोगों को लगता है कि मैं इस बीमारी से इतना परेशान हो चुका हूँ, इतने साल हो चुके हैं, मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है और मैं कैसे क्या करूँ, दोस्तों मैंने देखिए आप तक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है और थंबनेल में भी अपना नंबर लगा रखा है, तो आप जो है आप मुझसे जो है मेरे नंबर पर बात करके डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर आप अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का मौका मिले, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो आप ज़रूर अच्छे हो जाएंगे और एक आप अच्छी लाइफ जी सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों किसी भी तरीके से आप निराश ना हो, मुझे पता है। और डिप्रेशन में दोस्तों क्या होता है, कभी कभी डिप्रेशन कुछ लोगों को किसी वजह से हो जाता है कि किसी भी घर में कोई हादसा हो गया, किसी ने कोई दुर्घटना देख ली, ठीक है, तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, उसके निकलने नहीं आती हैं। और कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि बिना किसी कारण के किसी को लोगों को ये भी नहीं पता रहता है कि मैं किस कारण से डिप्रेशन में आ गया हूँ। जैसा कि दोस्तों मेरे साथ भी हुआ था कि मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं पता चला मैं किस तरीके से डिप्रेशन की बीमारी में फंस गया और मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे तबाह होने लगी। मैं खुद नहीं समझ पाया, मुझे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई मतलब ऐसा कोई इमरजेंसी हुई, ना मैंने कोई परिवार में या ऐसा कुछ देखा जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई हो। तो इस तरीके से दोस्तों मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं जो है इस प्रॉब्लम में फंस गया। तो दोस्तों बहुत से लोगों से बात करके और जो सीनियर्स होते हैं उन सबसे बात करने पर या भी मुझे पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मतलब हादसे की वजह से या आपके घर परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए उसकी वजह से आप डिप्रेशन में फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका ये दोस्तों दिमाग होता है इसके अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं, तो उन केमिकल्स का जो एक रेशियो होता है वो कम ज़्यादा होने से भी जो है दिमाग में दिक्कतें आने लगती हैं। और यह कभी कभी ऐसा होता है कि जितना लेवल उसका होना चाहिए उससे वो कम मात्रा में हो जाता है, उस कारण भी जो है व्यक्ति को नॉर्मल लाइफ जीने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। पर यानी इसका मतलब हमारा कहने का ये हुआ कि अगर व्यक्ति कह सकते हैं किसी भी तरीके की किसी इमरजेंसी को उसने नहीं देखा हुआ है या कोई हादसा नहीं देखा हुआ, उसके बाद भी अगर वो फंस गया है, वो कहता है कि नहीं मुझे तो कोई किसी तरीके की टेंशन नहीं है, मेरा घर परिवार अच्छा है, मेरे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं, तो फिर मुझे प्रॉब्लम क्यों हो गई ऐसी डिप्रेशन की। तो कहते हैं नहीं आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग बिना किसी कारण बस इस बीमारी में फंस जाते हैं। जैसा कि दोस्तों मेरे साथ भी हुआ था कि बिना किसी कारण के हो सकता है कि मेरे माइंड में जो ये बताते हैं डॉक्टर्स लोग कहते हैं सेरोटोनिन और इस तरीके से जो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो हो सकता है इनका लेवल डिसबैलेंस हो गया हो जिस कारण से मैं इस बीमारी में फंसा हूँ। एक्चुअल तो चीज़ें नहीं पता चल पाई हैं, लेकिन मैं जो है इन सब चीज़ों में फंसा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर मैं मेरा आज इस लाइफ में आने का केवल एक यही मतलब है कि दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति जो है मेरा भाई बहन या कोई माता पिता भाई बहन अगर इस बीमारी में फंसे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी से निराश हैं, तो उनको अगर
ऐसा लग रहा है कि मेरा कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि आप, मैंने आपको अपना स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है और थंबनेल पर भी मेरा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है। आप किसी भी वक्त उस नंबर पर मुझे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और मैं आप लोगों को पूरा कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को बदला है और डॉक्टर्स लोगों के गाइडेंस में मैं रहा हूं और आज लगभग कह सकता हूं कि मैं अपनी ज़िंदगी को ठीक ठाक जी रहा हूं, तो मैं इस तरीके से जो है आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा। और अगर प्रभु चाहेंगे तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकेंगे। दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, अगर आप लोग चाहें तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप, मैं लाइव हूं और आप चाहें तो इस समय कॉल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा मदद करने की, क्योंकि दोस्तों मैं इसको एक ये भी कह सकते हैं कि ना तो दोस्तों ये एक बीमारी है, ठीक है दोस्तों, इसलिए एक मानसिक एक स्थिति होती है व्यक्ति की, जो है उसको व्यक्ति समझ नहीं पाता है तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बगैर कुछ सोचे समझे दिमाग में उसके उथल पुथल होने लगती है। आदमी तनिक क्या सोचने लगता है कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, कहीं मैं मर ना जाऊं या कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। किसी दूसरे व्यक्ति को अगर देख लेता है कि किसी को कोई बीमारी हो गई है तो उसको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी मुझे भी हो जाए, तो ये सब सोचते हुए आदमी के अंदर इतनी घबराहट आ जाती है और वो इतना फेयर उसके अंदर भर जाता है कि इसकी वजह से उसकी हार्ट बीट अचानक बहुत तेज बढ़ जाती है और उसको लगता है कि अब तो मैं बचूंगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर ये बता दूं, क्योंकि लगभग मैंने करीब 10 साल तक इस बीमारी को झेला हुआ है, ठीक है, और इससे मुझे ये तो पता चल गया है कि इस बीमारी को अगर डॉक्टर आपको अच्छे से पहचान लेगा तो इसमें क्या होता है कि आप किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है, ठीक है। आपको हार्ट बीट बढ़ती है तो हार्ट बीट बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट अटैक पड़ जाएगा, वो एक टेम्परेरी एक आपको पैनिक अटैक होता है, ठीक है, जो कुछ समय के लिए रहता है, हो सकता है वो 10 मिनट के लिए हो सकता है वो आधे घंटे के लिए भी हो या हो सकता है वो एक घंटे के लिए हो, तो वो एक समय होता है और वो जब निकल जाता है तो वे धीरे धीरे अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि जिस समय किसी को भी पैनिक अटैक आता है उस समय वह सो नहीं सकता है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है, उसको लगता है कि मेरा दिल इतनी तेज़ धड़क रहा है ये कहीं बाहर ना निकल आए, तो व्यक्ति को उस समय इतना असहज हो जाता है, ना तो उठ सकता है ना वो बैठ सकता है, उसको किसी तरीके से किसी से बात करने का मन नहीं लगता है, बस ये होता है कि किसी तरीके से ये स्थिति मेरी नॉर्मल हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए कभी कभी अगर आपका शुरुआती स्टेज है तो आप हो सकता है योगा और प्राणायाम करें, उससे भी चीज़ें कवर हो सकती हैं। लेकिन अगर आपकी बीमारी या मानसिक स्थिति कह सकते हैं काफ़ी पुरानी हो गई है तो दोस्तों फिर आपको इसमें डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई कहता है कि नहीं इसमें डॉक्टर नीम की गोली देते हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या कहता है, ठीक है। तो दोस्तों जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ इसमें इस बीमारी में प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर आज मेडिकल साइंस इतना आगे हो चुका है कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो जैसा चाहे वैसे दवाइयाँ दे देंगे, उस पर एक वैज्ञानिक तरीके से उस पर उनकी एक उस पर प्रैक्टिस हुई है, उसको जांच की गई है, उसके बाद डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अगर आप किसी के कहने सुनने से आएंगे, क्योंकि समाज में एक आम धारणा यही है लोगों की कि अरे इनको डिप्रेशन हो गया है, नींद नहीं आ रही, तो डॉक्टर इनको नींद की गोली देगा, सुला देगा और ज़िंदगी भर बीमारी ऐसी चलती है। तो दोस्तों बीमारी कब सही होगी इसकी तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि बीमारी हो सकता है किसी की 6 दिन में सही हो जाए, किसी की 6 महीने में सही हो जाए, या हो सकता है किसी को 6 साल लगे एकदम सही होने में, क्योंकि इसका कोई टाइम नहीं होता है। ये तो एक आदमी को एक अपने ऊपर भी होता है कि किस तरीके से व्यक्ति अपने आप को ढालता है और अपने आप को उस परेशानी से उबारता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इस बीमारी में फंसने पे व्यक्ति को अपने आप पर बहुत काम करना पड़ता है, अपने आप को बिजी रखना पड़ता है, ठीक है। आप शारीरिक रूप से कुछ व्यायाम करिए, जितना हो सके आप मेहनत करिए और कम से कम आप अकेले रहिए और आपको दोस्तों जिसके साथ अच्छा लगता है उठना बैठना बात करना आप उसके साथ अपना टाइम एक्सपेंड करिए, तो आपका जो ये डिप्रेशन लेवल है ये धीरे धीरे लो होने लगेगा, ठीक है। और अपने आप की आपका जो मूड
अपसेट रहता है वो आपका मूड जो है सही होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों जो है आप जो है कभी अगर आपको लगता है कि ऐसी स्थिति आ रही है कि अब तो मुझे ना जीने का मन कर रहा है ना मैं क्या करूँ मेरी लाइफ तो बहुत बेकार है ना, क्योंकि जब व्यक्ति कोई सो नहीं पाता है लगातार 4 दिन 5 दिन 6 दिन इस तरीके से नहीं सो पाता है तो उसकी स्थिति बहुत ही बेकार हो जाती है, तो उसको एक प्रॉपर नींद चाहिए होती है। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले उनको ऐसा करते हैं दवाइयाँ देते हैं कि उनको इतना रेस्ट फ्री कराते हैं दवाइयों के सहारे कि उस व्यक्ति की उस अंदर जो है जब वो प्रॉपर सो लेता है तो ना सोने के कारण शरीर के अंदर और भी जो बहुत सी दिक्कतें महसूस होने लगती हैं व्यक्ति को, तो वह सारी दिक्कतें भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति नहीं सो पाता है लगातार 4 दिन 5 दिन तो उसके साथ जो कोई तो क्या होता है कि उसका सर हमेशा भारी भारी रहेगा, दर्द होगा। ठीक है, उसके बाद उसको मतलब थकान भी हमेशा महसूस हुआ करेगी। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि मतलब अगर आदमी ज़्यादा डिप्रेशन में है तो उसको उल्टी जैसा भी फील होगा कि मुझे उल्टी होने वाली है। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि लगता है कि मतलब जो है अगर किसी तरीके से अगर पेनिक अटैक वगैरह अगर आने वाला होता है तो इस केस में ये भी होता है व्यक्ति को बार बार लैटिंग वगैरह भी जाना पड़ सकता है क्योंकि उस समय वो अपने काबू में नहीं रहता है, जो एक दौरा होता है उस समय वो नहीं समझ पाता है कि क्या करना, उसका शरीर भी अपने काबू में नहीं रहता। तो ये सब चीज़ें दोस्तों होती हैं उस सब चीज़ों में जो है, तो इनसे निपटने के लिए डॉक्टर का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के इस तरीके से कहने में ना आइए कि नहीं इसमें नींद की चीज़ें होती हैं। मैं भी पहले कोशिश किया लोगों ने जैसा लोगों से मैंने भी सुन रखा था कि नहीं मैं इसमें एलोपैथिक दवाई नहीं करूँगा क्योंकि इसमें नींद की गोली देते हैं, इससे शरीर बेकार हो जाता है और इतने साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन जब मैंने हर तरीके से जो है इसका ट्रीटमेंट करके देख लिया, एलोपैथिक देख लिया, आयुर्वेदिक देख लिया, और जब मुझे कहीं नहीं ट्रीटमेंट मिला और मैंने कई डॉक्टरों को भी दिखाया जो है, पहले मैंने जनरल फिजिशियन वगैरह को दिखाया, उन सबसे भी मुझे अगर आराम नहीं मिला, फिर मैंने तय किया कि अब मैं साइकियाट्रिस्ट को ही दिखाऊँगा। तो मैंने दोस्तों अपना ट्रीटमेंट जो है फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी मैं हर समय काफ़ी सर्च करता रहता था कि किस तरीके से मेरी ये बीमारी सही होगी, कौन बेस्ट साइकियाट्रिस्ट है जिसको मैं दिखाऊँ। दोस्तों इस तरीके से मैं जब गूगल पे सर्च कर रहा था तो मुझे सर्च करने में डॉक्टर विजित जायसवाल जी हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर और उनकी डिटेल मुझे मिली। तो इस समय दोस्तों 2018 की बात है, तो उनका क्लिनिक गोमती नगर में था, तो मैंने जाकर वहाँ पर डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया, उनसे बात की, उनसे मुलाकात की और अपनी सारी स्थिति को बताया मैंने। इस समय दोस्तों मेरी स्थिति बहुत ही ख़राब थी, मुझे एकदम लगता था कि मैं जी के क्या करूँगा, मुझे तो कुछ नहीं समझ नहीं आता था उस समय कि कोई फ़ायदा नहीं है मेरे जीने से, इस तरीके से इतनी बेकार स्थिति मेरी हो गई थी। ना खाने पीने में मन लगता था, खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था, लगता था अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ खा लूँगा तो मुझे उल्टी हो जाएगी। ठीक, और रात को नींद नहीं आ पाती थी, मोबाइल लेकर आता घर, उसी को पता लगा मैं देख रहा हूँ जो भी चीज़ें क्योंकि नींद आती नहीं थी, या बैठा हूँ। और ये भी दोस्तों इतना ये भी होता था कि मेरी हार्ट बीट इतनी रात को बढ़ जाती थी, सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रॉब्लम मुझे रात को ही होती थी। दिन में तो कह सकते हैं कि मैं लगभग ऑफिस भी जाता था, काम कर भी लेता था, लेकिन जब शाम घर आने की बारी आती थी तो मुझे डर लगने लगता था कि अब आज रात में क्या होगा, मेरा टाइम कैसे। और दोस्तों ये स्थिति होती थी रात में जब 8:30 बजे के बाद खाना खा लेता था 9 बजे के बाद, उसके बाद जब लेटने की बारी आती थी अचानक मुझे ये होता था कि अब मैं सो नहीं पाऊँगा और मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। मैं क्या करता था, अपने सोफे पे दोस्तों थोड़ा सा लेटने के बजाय बैठ जाता था लगभग, और बैठे बैठे मेरी पूरी रात कट जाती थी, मोबाइल देखता रहता था, उससे मुझे दोस्तों थोड़ा सा राहत मिलती थी क्योंकि मुझे ये लगता था कि अगर मैं लेटूँगा तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ रहेगी, मुझे उससे बहुत डर लगता था, इसलिए मैं दोस्तों नहीं लेटता था। तो और भी इस तरीके से बहुत सारी जो भी समस्याएं थी, तो मैंने डॉक्टर साहब से मिलने के बाद डॉक्टर विजय जायसवाल जी जो कि मेडिकल कॉलेज के उन्होंने अपना MD किया हुआ है साइकेट्री से, तो मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई और मेरी उन्होंने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से समझा, और उसके बाद उन्होंने मुझे जो दवाइयाँ दी उससे दोस्तों मुझे 1 हफ्ते के अंदर ही बहुत रिलीफ हुआ है।
और उसके बाद चीज़ें वो दवाइयाँ कंटिन्यू करते करते अगले हफ्ते मुझे और अच्छा लगने लगा। इस तरीके से दोस्तों जब मैं उनके ट्रीटमेंट में आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे मेरी सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगी। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप मानसिक स्थिति आपकी ख़राब होती है, व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, तो उस व्यक्ति को जो है सहारे की बहुत ज़रूरत होती है और वो ये चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे प्यार भरा व्यवहार करे। तो अगर मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वह व्यक्ति जो है आपसे जो है भले आप कितना भी बड़ा वो डॉक्टर हो, लेकिन अगर आप थोड़ा प्यार से बात नहीं करता है तो भी सामने वाले मरीज को लगता है जब ये बात ही मुझसे नहीं सही से कर रहा है कि मेरा क्या ट्रीटमेंट करेगा और मैं इससे क्या सीखूंगा। तो एक ये भी दोस्तों फैक्ट होता है। तो जो हमारे डॉक्टर विजय जायसवाल जी थे उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। तो जब मुझे मैंने उनको ये सारी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने मेरी इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से सुना और मुझे ट्रीट किया और धीरे धीरे मुझे एक महीने के अंदर बहुत ही अच्छा लगने लगा। मुझे ये लगने लगा कि अब मेरी लाइफ हाँ सुधर जाएगी और मेरे अंदर भी एक जीने का वो आ गया कि अब मैं हाँ अपनी लाइफ में जी सकता हूँ। तो दोस्तों ये हो रहा था कि मैं कभी मतलब जिस समय 2014 की बात है उस समय मैं कहीं किसी रिश्तेदार के वहाँ मैं नहीं जा पाता था। अगर जाता था तो मैं रात में कहिए 8 बजे 9 बजे लौटता हूँ और क्योंकि मुझे ये लगता था अगर मैं घर से बाहर रहूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक दिमाग फितरत ऐसी आ गई थी तो मुझे ये लगता था कि मैं अपने घर में नहीं सुरक्षित हूँ। आ जाने क्यों ऐसी फीलिंग थी जबकि मैं जब घर आता था तो मैं घर पर भी नहीं पाता था, लेकिन बाहर रहता तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो मैं कहीं भी रुक नहीं पाता था दोस्तों रात में और मुझे बहुत ही घबराहट होती थी। तो जब मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगी और उसके बाद भी जो है जो दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर साहब चला रहे थे तो दवाइयाँ भी उन्होंने धीरे धीरे करके उन्होंने कम कर दी। जो उसकी कम होती गई ये दवाइयाँ एकदम नॉर्मल आ गई। तो दोस्तों एकदम से ही देखिए दवाइयाँ एकदम से बंद करना तो नहीं सही होता है, तो दवाइयाँ तो धीरे धीरे कम होते होते एकदम कम हो गई और केवल फिर मैं रात में ही एक टैबलेट केवल लेता था और उसके बाद मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बता दें कि इसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं मुझे जो है 5 महीने 6 महीने बाद या 7 महीने बाद इस तरीके से कहीं ना कहीं मुझे एक बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम रिपीट हो गई और उसके मुझे कोई वजह नहीं समझ में आती है कि कोई मैं किसी परेशानी में आ गया हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ हो। लेकिन फिर भी 5-6 महीने बाद कहीं ना कहीं 7 महीने बाद मेरे साथ एक बार प्रॉब्लम रिपीट होती थी। तो डॉक्टर साहब का यही कहना था कि अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम रिपीट होती है या कहीं उल्टी वगैरह लगती है आपको तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो वो अपना कुछ मेडिसिन अलग से प्रोवाइड करते थे और उसके बाद उसको मैं हफ्ते तक खाता था, उसके बाद छोड़ देता था, उसके बाद ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाती थी। तो इस तरीके से दोस्तों करते करते आज की डेट में मैं कह सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ ठीक जी रहा हूँ, मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो जो 2014 में मेरी स्थिति हो गई थी मुझे तो लगता था कि मैं अपने परिवार को देखता था, घर में मम्मी पापा बीवी बच्चे उनको देखता था, तो मैं सोचा था मैं क्या करूँगा क्योंकि इतना मैं परेशान हो चुका था और मुझे अपनी कोई समस्या भी नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर मुझे क्या बीमारी हो। सारी चीज़ें सही हैं, मैं दिन भर काम कर रहा हूँ और रात में आता था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या हो जाएगा। मैं अपना पता लगा सो ही नहीं पा रहा था और जब सो नहीं पाता तो घबराहट बेचैनी हर तरीके से जितने होती। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये कहेंगे कि हमारे घर परिवार के लोग भी बहुत अच्छे हैं जो हमारी बीमारी में हमारा सपोर्ट किए। ठीक है, इन सब जब आदमी इस तरीके से परेशान होता है, डिप्रेशन में होता है, तो हमारे घर में भी जो है लोगों ने ऐसा किया, एक चीज़ ये भी की जो अगर किसी तरीके का कभी कोई हादसा हो गया है, कोई रिलेशन में किसी की डेथ हो गई, तो इन सब बातों को मुझे नहीं बताते थे ताकि वो मेरे सामने आकर, क्योंकि दोस्तों अगर मैं किसी भी तरीके की इस तरीके की बात सुन लेता था तो मैं कहीं ना कहीं से उसको अपने से रिलेट करने लगता था और मुझे घबराहट होने लगती। तो मुझे इन सब बातों से भी दूर रखा गया मेरे परिवार वालों ने, घर वालों ने, मेरी बीवी बच्चों ने, माता पिता ने। तो इस तरीके से करते करते चीज़ें जो है धीरे धीरे मैं दूर रहा। उसके बाद दोस्तों जब समय के साथ साथ धीरे धीरे मैं अपने आप को ढालने लगा तो चीज़ें अच्छी हो गई, मैं खुद मतलब मजबूत स्थिति में आने लगा।
कि हाँ मुझे लगता है कि नहीं जो चीज़ें हो रही हैं ठीक है ऊपर वाले के भरोसे हैं और जो प्रभु करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। भगवान में मेरी बहुत आस्था है, बस ये है कि मैं भगवान की पूजा बहुत विधि विधान से नहीं कर पाता हूँ। भगवान को मैं मानता दिल से हूँ और लेकिन फिर मैं थोड़ा सा जो मंदिर में घंटा बजा के पूजा करने वाली बात है दोस्तों मैं उस तरीके से नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरी भगवान में पूरी श्रद्धा है। जानता हूँ भगवान जो करेगा अच्छा करेगा और अगर मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है कभी तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होने देगा। तो इस तरीके से दोस्तों करते करते आज की डेट में मेरी लाइफ सही चल रही है और कभी बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब से क्योंकि दवाइयाँ हैं मिनिमम चल रही हैं, बाकी जो है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप अगर कोई कहता है नहीं आप ये दवाई खाएंगे तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी इसलिए आप ये सब दवाइयाँ ना खाएंगे, तो आप ये बताइए दोस्तों अगर आप ऐसे मर रहे हैं आप बीमारी की वजह से ठीक है आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो अगर आप दवाई खा के अपनी लाइफ नॉर्मल जी सकते हैं तो आपको दवाई खाने में क्या बुराई है। एक दो टैबलेट रहती हैं आप उसको खाइए और अपनी मस्त लाइफ जीजिए और अपने लाइफ को इंजॉय कीजिए ठीक है। और ऐसा नहीं कि दवाइयाँ छूटती नहीं हैं, समय के साथ साथ आपको जैसा लगे जो है कि धीरे धीरे अगर आप अच्छे हो रहे हैं तो आप अपनी चीज़ें डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर जो हैं आप जिनसे दवाइयाँ ले रहे हैं आप उनको बताइए कि डॉक्टर साहब अब मुझे अच्छा लग रहा है, तो उस हिसाब से डोज कम करते रहते हैं डॉक्टर। और एक समय ऐसा आएगा अगर लगता है कि हाँ आप बिल्कुल फिट हैं दवाइयाँ बंद भी हो जाएंगी। ये ऐसा नहीं कि दवाइयाँ नहीं, दवाइयाँ चलती रहती हैं, लोग छः छः महीने में नहीं दो साल भर में दो साल में दवाइयाँ लोगों की बंद हो जाती हैं, लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें आप लोग जिस डॉक्टर से भी दवाई ले रहे हैं तो बीच में आप लोगों को नहीं बंद करना है, जैसा डॉक्टर कहें आपको उनके हिसाब से ही सारी चीज़ें करनी है। अपने आप से दवाई बंद करने में दोस्तों दिक्कत आती है क्योंकि मान लीजिए डॉक्टर जो भी हैं दवाइयाँ देते हैं तो एक उसका रहता है किस तरीके से आपको दवाई खानी है, उसकी डोज धीरे धीरे कम करते हैं, ज़रूरत होती है बढ़ाने की तो उसको बढ़ाते हैं, अगर आप एकदम से अचानक कम करेंगे तो आपको ज़्यादा भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जिन डॉक्टर्स को आप दिखा रहे हैं बगैर उनकी राय के आप कुछ भी ना करिएगा ठीक है। और बाकी अपनी तरफ से आप अपने शरीर को ज़्यादा एक्टिव रखिए और माइंड को फ्री रखिए, फ्री रखने की कोशिश कीजिए, दिमाग जितना फ्री रहेगा उतना आप जल्दी इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बस यही चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में आप फंसे हुए हैं और आप ज़िंदगी से बहुत निराश हो चुके हैं तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, तो दोस्तों आप मेरा नंबर लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने अपना दे रखा है, अगर आपकी बात मुझसे नहीं हो पाती है किसी कारणवश कॉल नहीं उठ पाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और बता दीजिए कि मैं आपको इस सिलसिले में बात करना चाहता था, तो मुझे जैसा भी जब भी मौका मिलेगा मैं आपको कॉल बैक करके मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ गारंटी के साथ ठीक है ना कि आप जैसी लाइफ जी रहे हैं डिप्रेशन में फंसे हुए हैं मैं उसको 100% आपकी लाइफ को गारंटी लेता हूं कि मैं 80% तक तो मैं सुधार दूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है 100% तो मेरी लाइफ खुद नहीं सुधर पाई है ठीक है, लेकिन 80% मैंने अपनी लाइफ सुधार ली है डॉक्टर लोगों के सहारे, घर परिवार के सहारे और समय के सहारे और बुजुर्ग कृपा रही है, तो मैं उतना तो मैं आप लोगों के साथ भी कर सकता हूं कि आपकी लाइफ को मैं 80% सही कर सकता हूं। आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, भाई मेरे भाई बहन मेरे छोटे भाई बहन मेरे बड़े भाई बहन मेरे चाचा चाची जो भी हैं आप हैं किसी भी तरीके की ज़रूरत हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करूँगा। इसलिए दोस्तों अब आज की इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ, मैं सोच रहा था जो है कि मैंने अपना नंबर दे रखा है तो किसी मेरे भाई बहन की कॉल आएगी तो मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करूँगा उनके माध्यम से जैसे भी सीखेगा। तो दोस्तों आज इस लाइव में कोई कॉल तो नहीं आई है ठीक है, लेकिन मैंने अपना नंबर दे रखा है ठीक है, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की और फिर आता हूँ किसी टाइम आप लोगों से मिलता हूँ लाइव में और पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की मैं हेल्प करूँ। और बाकी
डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कभी मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको उनकी पूरी मदद करूँगा। तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, किसी लाइव वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण, जय हिंद, जय भारत।